आज हम सोल्व करेंगे अपने साइंस क्विज को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखें, नीचे दी गई जीवों की सूची में से कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, केला, कोता, यीस्ट और अमीबा। तो अलैंगिक विधि क्या होती है कि जब एकल विधि से कोई जीव अपनी संतान उत्पन्न करती है, संतान का जनन करती है एकल विधि से, तो वही क्या होती है, अलैंगिक विधि। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, सबसे पहले लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें मादा और नर मिलके दोनों एक जनन मतलब अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, मादा और नर मिलके। तो इसमें आपके जो लैंगिक जनन परिघटना है उसका सही क्रम क्या है, सबसे पहले प्राकरण, उसके बाद निषेचन, फिर भ्रूण, उसके बाद नवोद्भिद। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। तो कौन से हैं आपके, परागकोष और अंडाशय। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति के परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। अब ऑप्शन में क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका, अलैंगिक जनन में ही केवल एक ही जनन भाग लेता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि अलैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें केवल एकल विधि से ही संतान उत्पत्ति होती है, जिसमें एक ही जनन भाग लेता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता। तो आपका क्या है, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जो रोग है वो यौन संचारित नहीं होता। तो नेक्स्ट सिक्स्थ आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, नर जननों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। तो जो नर होते हैं उनके शुक्राणु जो प्रवेश करते हैं तो वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं और कहाँ से निकलते हैं, उनका सही क्रम क्या है नर जननों का शुक्राणु का। तो सबसे पहले वर्षण में होते हैं, उसके बाद शुक्रवाह में, और मूत्र मार्ग द्वारा वे शुक्राणु बाहर आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, किसी चालक तार में 10A विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 10A विद्युत धारा मीन्स एम्पियर, आई की वैल्यू है 10A। तो 5 सेकेंड में इसके अनुप्रस्थ काट के कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो 5 सेकेंड आपको टाइम की वैल्यू दी हुई है, 5 सेकेंड, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे मीन्स हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एन की वैल्यू क्या होती है, एन का फॉर्मूला क्यू बाई ई, और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से क्यू की जगह हम इनको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, आई मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई ई, और ई एक इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, आई की वैल्यू एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम 5, ई क्या है आपका 1.6 × 10⁻¹⁹। अब ये क्या हो जाएगा 50, और ये ऊपर जाके आपके पावर कैसे हो जाएगी, 10 की पावर जो माइनस है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको जब सोल्व आउट करेंगे 31.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, सेवन्थ का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका एट्थ क्वेश्चन है, स्त्रियों में वह घटना कौन सी होती है जो जनन प्रवस्थान को प्रारंभ को परिलक्षित करती हैं। तो शरीर में वृद्धि, केशों के पैटर्न में परिवर्तन आना, आवाज़ में परिवर्तन आना, और रजोधर्म। तो स्त्रियों में जो एज के अकॉर्डिंग जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, रजोधर्म चक्कर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों के लैंगिक परिपक्वता से है। जब किशोर अवस्था के दौरान जब शरीर में परिवर्तन आता है, लड़कों के शरीर में जो परिवर्तन आता है वो मोस्टली क्या मिलता है, आवाज़ का भारीपन होना। जैसे ही किशोर अवस्था में जब एज ज़्यादा होती है तो लड़कों में क्या चेंजमेंट आता है, आवाज़ का भारी होना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब लास्ट आज का क्वेश्चन है,
चित्र दिया हुआ है आपको 8.1 में, भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? तो ए जो आपका भाग है वो किस क्रम में होता है आपका? तो आपका जो सबसे पहले इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट है आपका प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर। तो सबसे पहले मैं बताऊं प्रांकुर क्या होता है। वह भाग जिसमें पौधा का तना बनता है, जिस भाग में पौधे का तना बनता है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर। और बीज पत्र क्या होता है? जब तक पहला पत्ता नहीं आ जाता, बीज पत्र में संचारित भोजन पौधे का पोषण करता है। तो बीज पत्र क्या कहलाता है? जब तक पहला पत्ता नहीं आ जाता, तब तक बीज पत्र में संचरित भोजन पौधे का पोषण करता है। और लास्ट जो मूलांकुर होता है वो क्या होता है? बीज का वह भाग जिसमें जड़ बनती है, वही क्या होता है? मूलांकुर। तो इसके 10th क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।